हर हरी हर हरी हर हरी, मेरी बेर क्यों देर इतनी करी। हे भगवान जगन्नाथ, हे पतित पावन, हे दीना, अपनी लाज तुमरे हाथ, हे भगवान जगन्नाथ। दादा, तू भगवान से मस्करी करने से भी बाज नहीं आता। मैंने कौन सी बुरी बात की है माँ? तेरा नाम लाज है, मैंने भगवान से तेरी रक्षा की प्रार्थना की है। चल परे हट, तू कॉलेज नहीं गया अभी? बस जा रहा हूँ माँ। शीला, नाश्ता नहीं दिया भैया को? दे दिया। अन्न की समस्या तो हल हो गई माँ, अब सिर्फ धन की समस्या रह गई है। धन की समस्या पूरी करने वाली मैं कौन होती हूँ बेटा? मर्द कमा कर लाए, उसे बना परोस कर सामने रखना हम औरतों का बस यही काम है। हाँ, पर मर्द कमाएगा तभी ना जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, और पढ़ाई पूरी करने से पहले इम्तहान देना पड़ता है, इम्तहान से पहले दाखला, और दाखले के लिए 200 रुपए। 200 रुपए? पूरा महीना कमेटी की चाकरी करने के बाद कहीं तेरे बाबूजी 150 रुपए का मुंह देखते हैं? जानता हूँ माँ, मगर मैं क्या करूँ, कुल 3 दिन रह गए दाखिला देने में। अब अगर कुछ बंदोबस्त न हुआ तो पिछला किया कराया सब चौपट हो जाएगा। अब तो हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ रह गई है। तो जा कह दे अपने बाबूजी से। ना माँ, उनके पास तो पूंछ भी लेकर गया तो फिर से हाथी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तू जाके बात तो चला। चल, तू आ रही है ना? हाँ मैं आ रही हूँ। पक्की बात? हाँ पक्की बात। तू तो अभी तक नहीं आई माँ। मुन्ने की माँ। अरे अरे सर, तुम कहाँ गए सारे के सारे? नाश्ता कर रही थी बाबू जी। तेरी माँ कहाँ है? पूजा कर रही है। हद हो गई, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई पेट की, मुझे कोई पूछता ही। अरे अभी तो मेरे हाथ पांव सलामत हैं, नहीं तो तुम लोग मेरा सर मुछ मूंढ के हरिद्वार पहुंचा दो। पर बात क्या? बात क्या सर, ये कालर देख फूसरे उड़ रहे हैं। अरे ये तो बिल्कुल फट गई। रामलगन अभी आता होगा धुलाई लेकर। रामलगन को मार गोली, पहले तो तू इसे ठीक कर दे झट से, मुझे आते देर हो रही है। बाबू जी क्या है? कुछ नहीं, वो जरा वो इम्तहान के दाखिले के लिए पैसे चाहिए। कोई पैसा वैसा नहीं मेरे पास, जब देखो पैसा जिसे देखो पैसा। तुम लोग क्या समझते हो, पैसे पेड़ पर लगते हैं? हाय जी, तुम तो हमेशा यूं ही डांटते रहते हो बेटे को, दाखला ना होगा तो इम्तिहान कैसे देगा? ना दे, जाए भाड़ में। आई बेटे की वकालत करने, कब है इम्तिहान? इम्तिहान तो अप्रैल में है बाबू जी, मगर दाखला 3 दिन के अंदर देना है। 200 रुपए? रुपए 200 और दिन 3, पहले क्यों नहीं कहा? कमबख्त, इस पढ़ाई की खातिर ये मकान भी गिरवी पड़ गया। आज धनी राम के नाम पर कोई उधार देने को तैयार नहीं, और ये कहता है 3 दिन के अंदर अंदर दाखला दे दो, जो आता हाथ में बंदूक लिए आता है। अब तो जैसे कैसे भी होता है कर लो, ये आखिरी खर्च है। फिर बीए पास कर लेगा लड़का तो जरूर कहीं तहसीलदार मामलेदार बन जाएगा और सब दुख दूर कर देगा तुम्हारे। इसी उम्मीद पे तो जी रहा हूं, पर इस वक्त क्या करूं, जब तक कमेटी से तनख्वाह नहीं मिलती मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ तू फिक्र न कर, अभी गुस्से में है, अपने आप सब कुछ कर देंगे। अब तू जा। भैया थोड़े रुपए हैं मेरे पास, चलेंगे? अरे चलेंगे क्या, भागेंगे। लाला कितने तेरे पास? 10। 10? और नहीं तो क्या, कितने बरसों से जोड़ के रखे हैं भैया दूज के। भैया दूज के? वो जो हर साल तुझे 1-1 रुपया करके दिया करता था, वो तो संभाल के रख अपने उसके लिए। किसके लिए? वही जो कहीं जूते चटका रहा होगा। अच्छा, और वो जो कहीं कूले मटका रही होगी। अच्छा, तो तुमको बाबूजी कॉलेज गया। मुन्नी अभी तक स्कूल ले गई? नो। अरे वारी अंग्रेज की बच्ची, क्यों नहीं गई बोल? कैसे जाऊं, दीदी का फराक छोटा हो जाता है, मुझे पहना देते हैं। हाँ, ये सब बहाने हैं स्कूल न जाने की। अरे मुझे बाबूजी की पतलून पहननी पड़ती तो क्या मैं कॉलेज नहीं जाता? चल भली मानुस बनके, वरना बाबूजी से कह दूंगा तो फिर वो पड़ेगी डिंगर 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 कि नानी याद आ जाएगी। नहीं याद आ जाएगी। तेरी शरीर कहेगी। परमिट है? परमिट है। परमिट पेपर एमिट पेपर पर पर एमिट मिट मिट पर पर मिट 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 पर 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 मिट 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 पर मिट परमिट 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 के लिए मरमिट परमिट 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 के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में दो दिन भी ना जिया जाए परमिट 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 परमिट
दुनिया से बड़ा तू दुनिया बसाने वाले, तुझसे भी है ऊंचे परमिट बनाने वाले। हुए पैदा तो परमिट और रहे जिंदा तो परमिट, उठे मुर्दा तो परमिट, पैदा तो परमिट, जिंदा तो परमिट, मुर्दा तो परमिट। हाय हाय देखो ये जमाना, परमिट 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 के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन भी ना जिया जाए। परमिट 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 एक रोज गए जी हम दारू चढ़ाने, देखो ये तमाशा पहुंचे वहां से थाने। हुआ ये हम पे सितम वहां जकड़े गए हम, मांगा परमिट जो उदम। हाय हाय हमने कहा ना ना, परमिट 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 के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना जिया जाए। परमिट 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 था परमिट से अपनी जान बचा ले, जाने न जमाना चुपके से जहर खा ले। गए हम एक दुकान पर कहा दो जहर मिस्टर, तो बोला वो सितमगर क्या क्या परमिट को दिखाना। परमिट 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 के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना जिया जाए। परमिट 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 मजनू ने लैला से शादी को जब कहा, बोली मुझे ना पूछो अब्बा से मिलो जा। बुढ़े का हुक्का भरा बोला क्या सर है फिरा, शादी से पहले जरा परमिट तो दिखाना। परमिट 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 के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में ना इन बिना दिया जाए। परमिट 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 के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना दिया जाए। परमिट 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 जामुनिया राम लगन कहाँ हो? भीतर है बाबू। ए राम लगन हो तनिक बाहर आओ। कहाँ है ये का फसाद मचा रखा हमारे घर में? मच्छर हमारी स्त्री के उल्टा कहा था कि हम तुम्हार घर में फसाद मचाए थे। और नहीं तो कहा तुम कपड़े ले आवत नहीं और बाबूजी दफ्तर जावत नहीं। अरे हम लोगन की सफेद पोशी तो तुम धोबियों की कारीगरी पर काम है। जाओ जल्दी से, दिखत नहीं है कम जात है, काहे झगड़ा करा था। और सुनो पैदल मत जाना। काहे? तुम्हार मुछुआ की कसम गधे पर बैठकर जाओ और आजा लगा था। पंद्रह है बाबूजी। हाँ कपड़े जरा जल्दी ले आया करो रामलगन, आज देखो ना कमीज न होने की वजह से इन्हें दफ्तर से देर हो गई। अब की जल्दी ले आऊंगा बाबूजी, बरसात हो रही है ना इसलिए देर हो गई। रामलगन चाचा मेरा भी फराज धोतोगे डबल रेट पे? अरे डबल रेट कहाँ से सीख गई ये शहर की बातें? यहाँ बेचारे धोबी को कौन देता है डबल रेट, बिटिया यहाँ पे सब सिंगल में दबाए जाते हैं। अच्छा भाई सिंगल ही सही, लेकिन सुबह जल्दी लिया ना मुझे स्कूल जाना है। चलाट मर अंदर, जो जी में आए बक देती है। क्या बताऊँ आजकल क्या खींचातानी चल रही है घर में, बच्चे के लिए नया फ्राक सिलवाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ बहू जी तुम लोगों की तो गृहस्थी ही बड़ी कठिन है, बकरी कमजोर हो जाए तो पड़ी पड़ी घास भी खा सकती है, शेर मांदा पड़ जाए तो उसके लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है बहू जी। हाँ भैया तू तो इस घर की परंपरा को जानता ही है। क्यों नहीं बहू जी, मुझे याद है वो दिन जब तुम बहू बनकर इस घर में आई थी, मुझे जरी का साफा मिला था और तुम्हारी धोबन को रेशमी धोती वो अभी भी पहन लेती है तो मुझसे बात नहीं करती। जब बड़े बाबूजी भी मौजूद थे क्या हूं परस्था था इस घर पर। हाँ बालियां तो गई राम लगन, खाली छेद रह गए हैं कान के। एक दफे मदन बाबू को बीए तो पास कर लेने दीजिए, इसी आशा पे तो जी रहे हैं। नमस्ते बाबूजी।
अरे यार अपने फील को तो संभालो, तुम अपने वजीर की खबर लो वजीर की। अरे कुछ हमारी भी खबर लो सोनी सेठ। मार लातन मार लातन मार ला। ये बात है, ये फील गया तुम्हारा ऐसा तो ये और लो। ये क्या बकवास है, ये गाहक भी अजीब लोग हैं, जब जी में आता है चले आते हैं। अजीब तो नहीं है सोनी सेठ। अरे कौन मदन, अरे तुम कब आए? कब का? अरे यार जरा देखना वहां संभालना, यहाँ मेरा घोड़ा फंसा हुआ है, जरा जाओ तो दोस्त। चलो चाल चल। रिश्ती तीन गैलन। माफ कीजिएगा देवी जी, गलती हो गई। माय गॉड, सब कपड़े सत्यानाश कर दिए। सत्यानाश नहीं, ड्राई वॉश। कपड़े आखिर पेट्रोल से ही धुलते हैं। मैंने पेट्रोल गाड़ी के लिए मांगा था, ये कपड़े के लिए। मैं तीन गैलन से इस पार ऊपर नहीं दूंगी। मगर यहाँ तो छह गैलन हो गए हैं। तुम तीन ही के लगाना यार। हाँ। बाकी के पैसे मैं दे देता हूँ, शायद इनके पास पैसे कम होंगे। शर्म नहीं आती? अरे मगर ये आठ आने तो लेके जाइए। देवी जी अपने पेट को। गजब करते हो यार, इतने अच्छे ग्राहक को नाराज कर दिया। अगर इसी तरह दो तीन ग्राहक वापस चले गए तो हमारा पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। अरे बंद होगा या एक और खुल जाएगा है? तीन के बजाय छह गैलन पेट्रोल के पैसे दिलवा दिए और इस पर भी तुम रो रहे हो। तो चलो शतरंज का हार जोड़ा। क्यों ढेरूमल जी, मक्खियां मारनी शुरू कर दी? कोई ग्राहक नहीं फंसा क्या? तो हाँ मदन बाबू, न ग्राहक आता है न मौत आती है। अजी सुनते हो? लो एक तो आई, खाने को बुला रही है इस वक्त। ओ आई सी भाई, अच्छा है तुम जैन लोगों का सूरज डूबने से पहले ही खा लेते हो। क्या करें, रात को कोई मच्छर वच्छर पड़ जाए तो। तुम लोग तो बकरा भी खा लेते हो। अच्छा धर्मन जी मैं चला। मदन बाबू जरा पांच मिनट बैठोगे? क्यों, कोई ग्राहक वाहक आ जाए तो जरा। तुम जाओ इत्मीनान से खाओ, कोई नहीं आने वाला है, जाओ। मैं बैठता हूं। बोटिंग के लिए, शूटिंग के लिए, शर्टिंग के लिए, कपड़े की दुकान पर कपड़ा नहीं होगा तो क्या जूता होगा? आ? जी मैं। आप ही नहीं थे पेट्रोल पंप पर? मैं पेट्रोल पंप पर? नहीं 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 नहीं, वो मेरा छोटा भाई, मैं उस बड़ा भाई। अच्छा। हाँ मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़े ही हूँ जो एक ही वक्त में दो जगह मौजूद होता है। मालूम होता है आप पेट्रोल पंप से आ रही हैं। अच्छा अच्छा, लाल इमली दिखाइए। लाल इमली? ये ना आपने वही बात, कपड़े की दुकान पर इमली? अजीब दुकानदार है आप, ये भी नहीं जानते लाल इमली कपड़े का नाम है। ओ लाल इमली, माफ कीजिए हमारे पास लाल इमली नहीं हरी इमली है। क्या हरी इमली? लाल इमली वालों को हमने एजेंसी के लिए लिखा है। धारीवाल है? आप खुद ही देख लीजिए। ये लीजिए। ये नहीं, नहीं। तो फिर ये नहीं, नहीं। अच्छा ये खूबसूरत है, है? नहीं, नहीं। तो फिर ये है? ये तो बहुत ही अच्छे हैं। कोई दुपट्टे हो तो दिखाइए। दुपट्टे दर्जनों? ये लीजिए, ये शैफून का। ये लीजिए, ये नायनून का। और ये लीजिए, ये लाल दुपट्टा मलमल का। ओ जी ओ जी, ये लाल मुझे सफेद दुपट्टा चाहिए। हाँ सफेद दुपट्टा, सफेद सफेद, ये लीजिए सफेद। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा दुपट्टा। अपना ही समझिए। अरे सारी दुकान आपकी है। ये रहा। बदतमीज, नहीं चाहिए ये दुपट्टा। तो फिर
तेरी थी, वो तेरी थी, तेरी थी। अरे पैसे तो देते जाइए। झिरमल जी क्या हो गया, संभालिए, कहाँ खाते जा रहा है मेरी जटिल। सुनिए फूल वाले की दुकान कहाँ है? वो सामने दरवाजे के पास। जुमनिया हाँ, तो भी दो सिगरेट दो। क्यों? ये भी दे दो, अब तुम एक मिनट के लिए परे हट जाओ। अरे क्या बात है, अरे एक मेन फूल लेने आ रही है, तुम्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। अच्छा हाँ, जाओ तुम ही संभाल लो। हाँ, अच्छे से गुलदस्ता बना दी। गुलदस्ता अभी बना देता हूँ, फूलदान में रखिए या फूलदानों में लगाइए, एकदम ताजा खुशबूदार फूल है, इसीलिए कीमत जरा। गुलदस्ता अच्छा होना चाहिए, कीमत की परवाह नहीं। वाह 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 वाह, आप जैसा ग्राहक मिले तो हम अपना दिल भी निकाल कर रखते हैं। ये लीजिए, ये नरगिस, ये गेंदा, ये लिली और ये पीली। लेकिन मुझे गुलाब चाहिए। ये लीजिए गुलदस्ता, गुलदस्ता हाजिर है। आप जी? मैं? ओ समझा, उधर से जो भी आता है मुझे मेरा भाई समझ लेता है, वो मदनलाल छगनलाल से, मैं छगनलाल हूँ उनका बड़ा भाई। आवाज ही जरा। लेकिन उन दोनों की शक्ल तो बिल्कुल, हम तीनों इकट्ठे पैदा हुए थे ट्रिपल पूल, इसीलिए शक्ल जरा। माफ कीजिएगा, आपके दोनों भाई बड़े बदतमीज हैं। अभी वो बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। अच्छा अच्छा, बागीचे के लिए कोई बेल हो तो दिखाइए। ये लीजिए, ये रही रात की रानी, और ये दिन का राजा, और वो ये इश्क पेचा। जी नहीं समझी? इश्क यानी कि लव। ओ, और पेचा यानी कि वाइंडिंग लव। ओ, ये यानी कि वाइंडिंग लव, अब तो ठीक है ना? लफंगा हो जी, भैरविया हो जी, ये लफना बंदर कहाँ जा रही है? जहन्नम में। सुनिए सुनिए, वहाँ भी मेरा एक भाई है गगनलाल, उसे ना भूलिएगा। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, मारकर चली गई। बल्कि रहो मदन बाबू, तमाम जख्म भर जाते मगर फूल का जख्म नहीं भरता। अफसोस सद अफसोस, न किया शोक ने एक फूल का सौदा न किया। सौदे के बच्चे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबू जी, चल चल, ये शर्म दे गया। जब देखो किसी लोहार, किसी मोची, किसी फूलेरे की दुकान पर बैठा है, जो ऐसे लोगों से ही मेलजोल बढ़ाना है तो फिर पढ़ाई लिखाई में घर बार क्यों लुटवा रहा है? हजार बार कहा है कि बराबर वाले लोगों के साथ बैठा कर, पर तेरी ओंधी खोपड़ी में बात ही नहीं आती, बेहया कहीं। हजार बार कहा है कि तू बराबर वाले लोगों के साथ बैठा कर, मगर तेरी औंधी खोपड़ी में ये बात ही नहीं आती। शहर की तारीफ ना करते। अरे बेटी, ऐसा शहर तो पूरे हिंदुस्तान में न था, न है, न हो। मालूम होता है पैदा होने के बाद यही शहर देखा है आपने, या फिर मरकर हरिद्वार देखेंगे। अरे हरिद्वार भी क्या होगा इसके सामने, शहर अच्छा, लोग शहर से भी अच्छे। रहने दीजिए, मुझे तो यहाँ एक भी शरीफ आदमी नहीं दिखा दिया, उज्जट गवार, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं। बड़े मिलनसार है ना, प्यार करते हैं इंसान से। लगी सौदा खरीद ले। सौदा यानी खुद ही सौदा खरीदने लगी?
बेटी ये सारे काम तुमने शुरू कर दिए तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे साथ ले चलती तो मैं आठ आने की चीज रुपए में, यानी कि रुपए की चीज दो रुपए में जी? मेरा मतलब है चीजें काफी सस्ती दिलवा देता। क्यों मुनीम जी, क्या बात है? ये आठ आने की चीज रुपए में और रुपए की दो रुपए में, ये सस्ती हुई या महंगी? जी खरीदो तो बहुत महंगी, न खरीदो तो सस्ती। अरे बेटी तू क्यों उदास है? पिताजी हमने बड़ी गलती की जो दिल्ली जैसे रौनक वाले शहर को छोड़कर यहाँ चले आए। पेंशन पाने के बाद भी आदमी अपने वतन न जाए तो कहाँ जाए बेटी? और ये जगह जैसी भी है, इसकी हर ईंट और हर पत्थर से मेरा रिश्ता है। इन्हीं गलियों में मेरा बचपन गुजरा, यहीं मैं तुम्हारी माँ को ब्याह के लाया था। लेकिन पिताजी मेरा तो यहाँ जीना लगेगा। तुझे यहाँ कौन सी जिंदगी गुजारनी है बेटी? और चार छह महीने में तेरे हाथ पीले करने होंगे, तेरी शादी होगी तो किसी बड़े ही शहर में किसी अच्छे से लड़के के साथ। लेकिन दीवान जी यहाँ भी तो कॉलेज में 400 लड़का पढ़ता है, एक से एक अच्छा। आप खामोश रहिए मुनीम जी। बेटी जैसे तैसे भी होता है तू बीए पास कर ले। अगर यहाँ का कॉलेज भी ऐसा हुआ तो? अरे कॉलेज देखोगी तो तबीयत खुश हो जाएगी, दो मंजिला पक्की इमारत, लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं। आप तशरीफ ले जाइए मुनीम जी। जी क्या ले जाऊँ? तशरीफ लाइए। तू खाम खाम परेशान होती है बेटी, तुझे कॉलेज जरूर पसंद आएगा। प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। आइए आइए अंदर आइए। सिट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स आप ये सुनकर खुश होंगे कि दिल्ली से माइग्रेट करके एक नई स्टूडेंट आपकी क्लास में दाखिल होने आई है। आपका नाम है मिस इंदुमती। मुझे यकीन है कि इन्हें हमारा ये कॉलेज और यहाँ की तालीम पसंद आएगी। बैठिए। नो नो नॉट देयर। प्रकाश तुम यहाँ आ जाओ। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आप लोगों के हाउस एग्जाम का नतीजा मेरे सामने है। जहां मुझे फेल होने वालों के लिए अफसोस है, वहां इस बात की खुशी भी है कि पास होने वालों में से एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो ना सिर्फ मेहनत से पढ़ा है बल्कि क्रिटिसिज्म में अपने और हमारे लिए नई राहें निकाली है। ये स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही फर्स्ट नहीं आता बल्कि खेल के मैदान में भी सबसे आगे है। इस स्टूडेंट का नाम है मदन लाल मल्होत्रा। साइलेंस प्लीज, साइलेंस नाउ। मैं ये चाहता हूं कि हर स्टूडेंट मदन का पेपर गौर से पढ़े और देखे कि उसने सवालात के जवाब कितने साफ, कितने मुख्तसर और टू द पॉइंट दिए हैं। ये पेपर आप पीरियड के बाद ले सकते हैं। नाउ ओपन योर बुक्स प्लीज। पेज 63 सेकंड पैराग्राफ। सुनिए क्या मैं आपका पेपर ले सकती हूँ? शौक से। अगर हर्ज हो तो आप घर तक छोड़ दो। जी जी शुक्रिया। माफ कीजिएगा कल मुझे आपके बारे में बड़ी गलतफहमी हुई। जब तक इंसान एक दूसरे के नजदीक ना जाए तो क्या पता चलता है। लेकिन आप सब जगह कैसे मौजूद थे? जी जी बस यूं समझ लीजिए कि सारा बाजार ही अपना है। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो आपसे मिलना होगा। मैं तो समझती थी अपने ढक का कोई आदमी नहीं शहर में, ना कोई गली अच्छी ना कोई बाजार अच्छा। अभी आपने हमारे शहर का देखा ही क्या? बाहर बड़े बड़े मोहल्ले हैं, मोहल्लों में बड़े बड़े बंगले और बंगलों में बड़े बड़े आदमी
अब किधर चलो? इधर। आप वहां नहीं रहते जहां हम लोग कल मिले थे? आप भी कमाल करती हैं। क्या पार्लियामेंट के सब मेंबर पार्लियामेंट हाउस में रहा करते हैं? वो तो धंधे की जगह है। तो फिर आपका बंगला कहाँ है? बंगला? मेरा बंगला उधर। नजदीकी है क्या? जी बस यहीं कहीं होना चाहिए। बुढ़ा कहाँ? वो जो सीमेंट के पाइप पड़े हैं ना, उनके उस तरफ, वो सामने। ये बंगला आपका है? जी नहीं, मेरे बाप का है। मेरा मतलब है, आपको कोई एतराज है क्या? जी नहीं, बंगला आपके बाप का, मुझे क्या एतराज हो सकता है? गाड़ी अंदर ले चलो। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बाहर ही उतार दीजिए। आपने खामखा तकल्लुफ किया, मैं आपको अंदर ही छोड़ देती। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी बुरा मान जाएंगे, हम दोनों को इकट्ठा देकर जाने वो क्या समझ ले। नमस्ते। दीवान कुलवंत राय? दीवान कुलवंत राय कौन? किधर? ये। अरे ओ, 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 दीवान कुलवंत राय पिताजी, मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। आज कॉलेज से आने में बड़ी देर कर दी। आप दीवान साहब? दीवान साहब तो ऊपर दीवान खाने में बैठे हुए दीवानी मुकदमे की फाइल लिख करें। तो फिर आप कौन है? जी मैं दीवान साहब का दीवान हूँ। ओ यू मीन ग्रैंड दीवान। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मुझे तो आप ही से काम था। क्या था? मैं बताता हूँ दीवान साहब, मुझे तो आप ही से काम था। बात ये है, क्या सेवा करूँ? जी सेवा तो मैं करूँगा जी। आप तशरीफ लाइए ना, तशरीफ। आप बैठिए बैठ जाइए बैठिए। क्या बात है? जी 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 जी, बात दरअसल ये है। जी बात दरअसल ये है, आपका मकान बहुत अच्छा है। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि बीमा। बीमा? हाँ बीमा। मेरा मतलब है आजकल बचत का जमाना है, अगर किसी तरह पैसा बचाकर बीमे में लगाया जाए। अच्छा, आप बीमा एजेंट हैं? जी इस वक्त तो कुछ ऐसे ही समझिए। लेकिन मेरा तो कोई बाल बच्चा नहीं। हो जाएगा हो जाएगा। होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। किसी डॉक्टर को दिखाया था? क्या कहता है? शादी कर लो। शादी कर लो? लेकिन लेकिन मेरी तो अभी एक दो मुलाकातें हुई है। मुझसे? आपसे? डॉक्टर ने? ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई। बात दरअसल ये है कि हमारे खानदान में अक्सर लोग कुंवारी रहते हैं। क्या मतलब? आपके पिताजी की शादी तो हुई होगी। मेरे पिताजी की? क्या बात करते हैं? अरे उनकी शादी में होती तो आप कैसे पैदा होते? मैं? जी मैं। ओ हाँ हाँ, खैर कुछ भी हो, शादी ना होने से बीमा करवाना और भी जरूरी हो जाता है। कहते हैं पेट का भाई काम नहीं आता, पेट का बच्चा काम नहीं आता, आखिर पल्लू का पैसा ही काम आता है। ठीक है ठीक है, लेकिन मेरा बीमा हो ही नहीं सकता, मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज? तब तो मेरे ख्याल में आप मर गए। मर गए? आप यहाँ रास्ता कैसे भूल गई? मैंने सोचा आपका बंगला ही देखती हूँ। हाँ, शौक से देखिए, शौक से देखिए। बंगला आपका है तो मैं कहाँ हूँ? बंगले में। बात दरअसल ये है कि ये मेरे साथ है। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन जी हाँ, मैं इनके साथ। आप इनके साथ हैं? ये आपके साथ है तो मैं किसके साथ हूँ? अरे भाई ये क्या हो रहा? कौन है? मेरे पिताजी। ये आपके पिताजी हैं तो फिर इनके पिताजी क्या हुए? तो बैठे। ये मेरे पिताजी हैं। तो फिर मेरे पिताजी कहाँ गए? मुनेंद्र। ये मेरे पिताजी। अजीब चक्कर है, सबके पिताजी इकट्ठे हो गए, मैं तो भागा। पिताजी क्या है भाऊजी? बीमे के कागज, तेरे दाखिले के लिए कर्जा लेने की सोच रहा था। अच्छा अच्छा, क्या मैंने पूरा हिसाब लगाया, फूटी कौड़ी भी पल्ले नहीं पड़ती। पहले जो कर्जा ले रखा है उसका सूद भी नहीं चुकाया। तो फिर मेरे दाखिले का क्या होगा? अब क्या बताऊं, तनख्वाह से पहले घर में रुपए आने कोई सूरत नजर नहीं आती। ऐसा कर, प्रिंसिपल से कहकर एक आध हफ्ते की मोहलत ले ले। कैसे ले लूं बाबूजी,
ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी का बच्चा मैं क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं या जहर खाकर मर जाऊं? खड़ा मुंह क्या देख रहा है? पूछ मर के तो देख। कितने हुए? 100। 100 और लो। लाला जी जरा संभाल के रखना, तुम फिक्र मत करो। मेला राम जी। हाँ भाई। हाँ। अरे मदन भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो आखिरी दिन तुम्हारा दाखला भी पहुंच गया। तुम्हें जो फिक्र होगा सो होगा, मैं बड़ा दुखी हो रहा था। आई वॉज वरिड। मैं तो ये देख रहा हूं, जिनके पास दौलत है उनके पास दिमाग नहीं, नो ब्रेन्स, और जिनके पास दिमाग है उनके पास दौलत नहीं, नो मनी। भाई भगवान की अजीब माया है, ऐसा मुझे काबिल लड़का दाखला नहीं पहुंचता तो ये तुम्हारा ही नहीं बल्कि देश भर का नुकसान होता। इट वुड हैव बीन अ नेशनल लॉस। पैदल जा रहे हैं मिस्टर मदन?
जी आपको कोई इतराज है? बड़ा सख्त, आप जैसा काबिल लड़का अगर पैदल जाएगा तो उसे पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलेगा, पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलेगा तो पास नहीं होगा, और अगर पास नहीं होगा तो इट वुड बी अ नेशनल लॉस। जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो देश को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, आप जा सकती हैं। सुनिए सुनिए तो झुमकी शोराबाद भर की मौसम का समझो इशारा इशारा ही छाई घटा बिजली तड़की घर में सताती है कड़की रास्ते में एक शोख लड़की अच्छा मुश्किल है बचना हमारा हमारा रे घर में सताती है कड़की उधार मुश्किल है मुश्किल है बचना हमारा हमारा रे घर में सताती है कड़की खतरे हैं बेशुमार मुश्किल है बचना हमारा हमारा रे घटा बिजली कड़की रस्ते में एक शोक मौसम का समझो इशारा इशारा रे छाई घटा बिजली कड़की बता दीजिए। सब कुछ जानते हुए भी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मिसिंदू। कल जो कुछ भी मैंने किया उसका मुझे बहुत अफसोस है। इतने सियाने समझदार होते हुए क्यों किया आपने सब कुछ? ये बात शायद आपकी समझ में ना आए। किसी ने कहा था तुम इतना हंसते रहते हो, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम छुपा रहे हो? हम गरीबों की हंसी के पीछे कितनी आहें कितने आंसू छुपे होते हैं इसका आपको अंदाजा भी है। इसीलिए जब कभी मुझ जैसे की जिंदगी में खुशी की कोई घड़ी आ जाती है तो वो चाहता है कि उसे जितना भी लंबा किया जा सके करे, चाहे इसके लिए उसे कितना ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। झूठ बोलना पड़े? इसका मतलब है आपको मेरे साथ इतना ही पसंद था? था नहीं, है।
थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस नए बिजनेस में दाखिल होने से पहले आपने सदनलाल और छगनलाल से पूछा? जी, मदनलाल जो कहता है वो सदनलाल और छगनलाल झट मान जाते हैं। ऐसा? जी। उस मोड़ पर रोक दीजिए, मेरे घर का रास्ता आ गया। मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी आदत खराब हो जाएगी। थैंक यू। टाटा टाटा। बोल बोल, कहां गई भगवान की मूर्ति? मारो, अभी तेरी हड्डी पतली है। कर रही क्या? कर रही माँ, क्यों मार रही? मारू नहीं तो क्या करूँ, इतनी बड़ी हो रही है लक्ष्मी मैं, अभी तक इसे भगवान और गुड़िया में फर्क नहीं मालूम होता। ये देख, खेल खेल में न जाने भगवान को कहां गुम कर दिया इसने। ये तो मैंने किया माँ। तुमने? हाँ, कोई और रास्ता न सूझा दाखिला देने का, तो मैंने मूर्ति को बेच डाला। बेचा नहीं, रहन रख दिया। हे भगवान, मूर्ति को रहन रख दिया? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को, जो इस घर की सत्ता है? मैं तुम्हें बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया मदन। क्या बुरा किया माँ, तू ही तो कहा करती है जब जब भक्तों पर मुसीबत आती है भगवान उनकी रक्षा को चले आते हैं। अगर आज भगवान ने अपने आप को बेचकर हमारी लाज रख ली तो क्या हुआ? और फिर मैंने तेरे मन के भगवान को तो गिरवी नहीं रखा, सिर्फ शेर दो शेर चांदी गिरवी रखी है। मैं ये तेरा अनोखा विखंड नहीं समझती जन्म दिले। आज तक इस घर पे हजारों मुसीबतें आई, पर मूर्ति को गिरो रखने का ध्यान किसी के मन में नहीं आया। जाने अब इस घर पे क्या आपत्ति आने वाली है। तू चिंता न कर माँ, जब मैं कमाने लगूंगा तो सबसे पहले तेरी मूर्ति वापस ला कर दूंगा। मदन, क्या हुआ? मदन, प्रिंसिपल ने मोहलत दे दी दाखिले की? जी जी, दाखिला तो दे दिया। दे दिया? रुपया कहाँ से आए? जी वो दरअसल वो तो मैंने दे दिए थे। तूने कहाँ से दिए? वही पैसे जो आप मुझे खर्च पानी के लिए देते रहे उसमें से बचा के रखे थे। खर्च पानी में से? सच? ओह, तू ना होती शीला की माँ, मैं तो बिक जाता। मुझे माफ कर देना बेटा, अपने आप से दुखी होकर मैं तुझे डांटता टालता रहा, पर भीतर से मेरी जो हालत हो रही थी वो मैं ही जानता हूं। हमारे तो अब तुझे प्यार लगी है, अब तू जी जान से इम्तिहान की तैयारी में लग जा। बहुत अच्छा बाबूजी। पास हुए हैं? अरे और भी बहुत से लड़के पास हुए हैं। कोई लड़की नहीं?
तो ठुक क्या कर रहा है भैया? तुम मुझे एक मुराद ला के दोगे? एक? अरे दर्जनों फ्रॉक ला कर दूंगा और शीला की शादी धूमधाम से करूंगा और माँ को काशी ले जाऊंगा। जय जगदीश। क्या बात है, अभी से माँ को क्या रहा है? बाबूजी मैं पास हो गया। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैं अभी भी कॉलेज जा रहा हूँ। सच है बाबूजी? सच बधाई हो बेटा, बधाई हो, बधाई हो। भगवान ने आज मेरी सुन ली बेटा, अब तू ये सब संभाल। मैं तो बस थक गया हूँ। बाबूजी ये तो खुश होने का समय है। तू क्या समझता है? मैं ये तो खुशी के आंसू है बेटे, खुशी के आंसू है जिनसे मेरे सब दुख दर्द धुले जा रहे। मालूम होता है जैसे किसी ने मेरे सर से जिंदगी के पाप की गठरी उठा ली हो। ये तू नहीं, मैं पास हुआ हूं बेटे, मैं पास हुआ हूं। अब तू जल्दी से कहीं नौकरी तलाश कर ली। वो मेरा दोस्त प्रेमनाथ है ना, सेक्रेटरी तो बड़ा अफसर है, तो उसके पास चल रही है ना, तुझे देखते ही किसी बड़ी औहदे पर लगवा देगा। लग जाएगा, लग जाएगा। पहले मुंह तो मीठा कर लो। लो बेटे। बकुलदार, मैं उसके लिए बिल्कुल मजबूर हूं। कहीं मेरा लड़का भी होता तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आजकल सरकारी नौकरियां मिलनी बहुत मुश्किल है, और अगर बाई चांस कोई एक आध जगह निकल भी आए तो उसके लिए सैकड़ों हजारों बीए एमए वेटिंग लिस्ट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, पर तुम सरकारी नौकरी ही क्यों ढूंढते हो? और भी कई जगह है, वहां क्यों कोशिश करते? जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। तशरीफ रखिए। मिस्टर मदनलाल, मैंने आपकी दरखास्त पढ़ी। जी। हमें सिर्फ उन ग्रेजुएट्स की जरूरत है जिनके पास टीचिंग की कोई डिग्री हो, और आप तो सिर्फ बीए हैं। आई एम वेरी सॉरी जी, अगर मैं टीचिंग की डिग्री हासिल कर लूं तो मुझे टीचर का काम मिल जाएगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल। अब यही देखिए ना, हमारे पास सिर्फ दो वैकेंसीज थी और उसके लिए 500 दरखास्तें आई। अच्छा नमस्ते। तो आप ऑफिस का काम चाहते हैं? जी हाँ, ऑफिस में तो कोई जगह नहीं। हाँ अलबत्ता टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ आदमियों की जरूरत है, तो उसके बारे में आपको कुछ तजुर्बा है? जी मैं टेक्निकल काम नहीं जानता। देन आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट, मदनलाल मल्होत्रा, बीए पंजाब यूनिवर्सिटी। ये आपका रजिस्टर नंबर 555। नेक्स्ट। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए। मेरा नंबर कब तक आएगा? ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हजारों उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में, उसमें सिर्फ बीए ही नहीं, बीएलएलबी, एमए और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले भी उम्मीदवार हैं। बात दरअसल ये है मिस्टर मना, आजकल के 90% पढ़े लिखे नौजवान सिर्फ ऑफिस का ही काम चाहते हैं, और ऑफिस के काम इतने हैं नहीं। कहां से आई ये सिलाई की मशीन? भैया की किसी दोस्त की है, सिलाई सीख लूंगी, थोड़े से पैसे। पैसे? अब हम कपड़े सीकर पैसे कमाएंगे? आज तक कभी इस घर में ऐसा हुआ है? ये सब उस कमबख्त के दिमाग की उपज होगी। कहां है वो? मदन, मदन! जी, क्या बाबूजी? वापस कर ये मशीन अभी, इसी बात। तेरी नौकरी का क्या हुआ? जी नहीं मिली। नहीं मिली? डूब मर चुल्लू भर पानी में। सब किसी का पेट काट कर तुझे बीए पास करा है ताकि बूढ़े बाप का हाथ बटाए, पर उल्टा तू हाथ में हाथ धरे बैठा है। मेरा कोई दोष नहीं बाबूजी, दफ्तरों के चक्कर काटते काटते मेरे तो तलवे भी घिस गए, मगर कहीं नौकरी मिली ही नहीं। क्या लगता है मिडिल फेल बड़े बड़े ओहदे संभाले बैठे हैं, मैट्रिक पास, मामलेदार, फौजदार बने हैं, और तू कहता नौकरी नहीं? आप किन वक्तों की बात कर रहे हैं बाबूजी? अब वो जमाना बदल गया है। क्या जमाना बदल गया है? शेर घास खाने लगे हैं या हल में जुटने लगे हैं?
और कुछ नहीं, तू ही नालायक। निकम्मा हराम की खाना चाहता है। मालूम होता है हड्डियां मरघट में पहुंचने तक घर गृहस्थी की गाड़ी मुझ बूढ़े बैली को खींचनी पड़ेगी। जा दू है मेरी आंखों से, कहीं से चार पैसे कमा के ला तभी घर में कदम रख। राम समय के उतानो लक्ष्मण समय नबी सीता समय न त्रियाओ के गंगा समय ननी। अरे मदन बाबू तुम कहाँ आ गए सेठ? मजाक मत करो राम लगन, अपनी हालत इस वक्त बड़ी पतली है। क्यों क्या हुआ राजा? क्या बताएं, घर बार बेचकर बीए पास किया उस पर भी छक मारते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिलती। नौकरी? नौकरी कोई क्यों देगा? क्या मतलब? तुम तो अंग्रेजी पढ़े हो छोटे बाबू, हम तो बस इतना ही जानते हैं यस और नो, जिसका नाम ही नौकरी है वो मिलेगी कहाँ से, और यस करी तुम करोगे नहीं। यस करी? हाँ यस करी, जो काम मिले और यस। पर तुम बाबू लोग वो करोगे क्यों? तुम्हें तो सफेद पोशी चाहिए, कालर पे कलप हो, पतलून पर तलवार की धार, हाथ का काम तुम थोड़े ही कर सकते हो। हाथ का काम क्यों नहीं कर सकता? करोगे तो तुम्हारे घराने का बड़प्पन कहाँ जाएगा, बाप दादा की इज्जत का क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी? नहीं तुम सा पढ़ा लिखा आदमी हाथ की मजदूरी भी करेगा तो उसमें एक नई बात पैदा करेगा। भगवान से दोनों वक्त मांगो तो बस यही ये दोनों हाथ बने रहे। इन हाथों की मेहनत से जो पसीने की बूंद धरती पे गिरती है छोटे बाबू वो मोती बनकर लौट आती है। अरे तुम्हारे घर में तो जगन्नाथ की मूर्ति है, कभी सोचा है कि उसके हाथ क्यों नहीं है? उसने अपने हाथ काट कर इंसान को दे दिए, तुम्हें दे दिए, मुझे दे दिए, दुनिया भर को बांट दिए। बड़ा ही काम करता है हाथों से, कुम्हार बर्तन बनाता है हाथों से, कारखाने चलते हैं हाथों से। भगवान की ये देन के होते हुए जो भूखा मरे समझो उसे झूठी शर्म खा गई। काय बड़बड़ करी हो? काम नहीं करी? अरे नहीं नहीं करी। ए ले ए ले। माफ करियो छोटे बाबू, तुमसे पढ़े लिखे आदमी के सामने हम विख्यान शुरू कर दिया। अपने हाथों को पहचान, अपने हाथों को पहचान, मूर्ख इनमें है भगवान, मुझ पर सब ही पर इन दो हाथों का एहसान। अपने हाथों को पहचान, हाथ उठाते हैं जो कुदाल, पर्वत काट गिराते हैं, बढ़ते चढ़ते पानी में बांध के बंद दिखाते हैं, जंगल से खेतों की तरफ मोड़ के दरिया लाते हैं। अपने हाथों को पहचान, के भर दाना लेकर ये जो जमीन में बिखराए, जितने तारे चमकते हैं उतने ही पौधे उग आए। भूख जहां तक देख सके खेत वहां तक लहराए। अपने हाथों को पहचान, चूने गाड़े ईंटों से हाथों का है याराना, रखे नू ये धरती में छत को गगन दे नजराना, बसता जाए शहर नया सजता जाए वीराना। अपने हाथों को पहचान, छीने और हथौड़ी का खेल
अगर ये दिखलाए उभरे चेहरे पत्थर में देवी देवता मुस्काए चमके दमके ताजमहल 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 चांद सितारे शर्माए अपने हाथों को पहचान चले इन हाथों से भैया जैसे जीवन का आंख झपकते लग जाए मेला कोरे बर्तन का हाथों के छू लेने से सोना बनता है जेवर रूप को चमका देते हैं कंगन झुमके और झूमर बीन सरंगी तबला ढोल सब कुछ हाथ बनाते हैं तारों में आवाज कहां हाथ हमारे गाते हैं खोल दी एक नया ज्ञान दे दिया मुझे ज्ञान हाँ मैं झूठी शान का शिकार न बनूंगा मैं ऐसे तुम्हारा काम सीखूंगा अरे 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 पागल हो गए क्या अरे पागल मैं पहले था मुझे अकल आ गई है जय गुरुदेव जीते रहो मेरा ये मतलब थोड़ी था छोटे बाबू मुझे मरवाओगे क्या बड़े बाबू क्या कहेंगे अहे नथुआ अहो बुदुआ बन के गुलगुले जल के बुलबुले बन के गुलगुले जल के बुलबुले यार चुलबुले सुन रे पगले बोले बार बार बोले भोले तू आज अपने दिल के सब दाग भोले भोले तू आज अपने दिल के सब दाग भोले भोले तू भोले तू भोले तू आज अपने दिल के सब दाग भोले भोले तू आज अपने दिल के सब दाग भोले सोडा साबुन रीठा पानी मीठा मीठा इनके उनके कपड़े धोकर सबको बनाते छैला हमने पाप छिपाए धब्बे सबके मिटाए हमसे सारी दुनिया उजली हमी को समझे मैला अरे बन के गुलगुले दल के बुलबुले याद तुलबुले सुन रे पगले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले हरे बाबा हरे नाना हरे बाबा नाना बाबा नाना बाबा रेशम हो या खादी तब तक लादे लादी सुबह का मैला आंचल धोकर किरणों पर फैलाए दुनिया का हम कच्चा अपना लोहा सच्चा फेर के धुंधली शाम के लोहा शाम को भी चमकाए बन के गुलगुले जल के बुलबुले याद चुलबुले सुन रपगले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले गोरी गोरी धोबनिया ओढ़ रे ओढ़निया पहन रे नथनिया बन के दुल्हनिया छुप के इशारे कर छुप के हमारा दफ्तर हाथ के
हम सब नौकर घाट पे हमने पाई खुशियाँ हमसे ले लो कट्टी किस्मत का क्या रोना घाट की काई सोना चिंता विपता आहे आंसू सबको चढ़ा दो भट्टी अरे बन के गुलगुले चल के बुलबुले याद चुलबुले सुन रे पगले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले 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 माफ कीजिएगा गलती हो गई। गलती का बच्चा सारा सूट सत्यानाश कर दिया। जी मैंने अर्थ किया ना मुझसे गलती हो गई। आप सूट उतार कर दे दीजिए मैं भी धो देता हूँ। जब तक मैं नंगा खड़ा रहूं नौकर हूँ तेरे बाप का। जी मेरे बाप का नौकर तो एक भी नंगा नहीं। चुप रहे धोबी होकर कैंची की तरह सामान चलाता है तो आप समझते हैं धोबी को गुंगा होना चाहिए। चुप रहे बदतमीज छोटा मुंह बड़ी बात करता है। और नहीं तो आपकी तरह बड़ा मुंह छोटी बात करूं। मैं कहता हूं बात मत जानता भी है तो किससे बात कर रहा है। जी हाँ एक ऐसे आदमी से जो अपने को बड़ा फेटेखा समझता है। क्या कहा फेटेखा? अगर मैंने नहीं देखा तो आप ही देखकर चलते। फिर इतने छींटे भी नहीं पड़े जितनी आपने मुझे गालियां दे डाली। अब और क्या फांसी दिलवाएंगे? हाँ हाँ फांसी दिलाऊंगा। देखा आजकल के ये गंदे वो भी कैसे बढ़ बढ़ कर बातें करने लगे। क्या कहा? कौन कमीना? जो आपकी मैल धोता है वो कमीना और जो बखेरता है वो शरीफ। शट अप वीडियो। आजकल के धोबी भी अंग्रेजी बोलने लगे। ससुरा कहीं का माफ करना इंदु मुझे जरा देर हो गई। क्या बताऊं आते आते रस्ते में फैटे खां के साथ मेरा झगड़ा हो गया। कैसे कैसे उल्लू टाइप लोग आकर बस गए हमारे शहर में। क्या सोचा तू इंदुमती? कुछ नहीं मैं सोच रही हूँ उसके बारे में जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। अच्छा सोचो और जोर से सोचो। वैसे तो सोचने की कोई बात नहीं पिताजी ने ठीक ही किया होगा। लड़का लेबर वेलफेयर ऑफिसर है। हाँ खाते पीते घर का है 1000 रुपए महीने तनख्वाह पाता है। ये तो बड़ा अच्छा है। तनख्वाह सुनकर तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं इससे शादी कर लूँ। हटो बेशर्म कहेंगे। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? जरा मुकाबला तो करो। उधर लेबर वेलफेयर ऑफिसर और इधर लेबर ही लेबर ऑफिसर गायब। मुझे नहीं चाहिए ऑफिसर। ऑफिसर तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सुनता रहता है। मैंने पिताजी से तुम्हारी बात चलाई है तुम कल सुबह ही उनसे मिलो। बात चलाई है? क्या कहा उन्होंने? तुम पहले उनसे मिलते लो। लेकिन कल सुबह मैं नहीं आ सकूंगा मुझे धोबी घाट जाना है। धोबी घाट? हाँ मैंने धोबी का काम शुरू किया है ना। नहीं समझी? कपड़े धोना फिर चली दिल्लगी करने। लोहा धो गई। जिंदगी में मैंने पहली बार सच बोला और तुम इसे दिल्लगी समझती हो। मैंने सचमुच धोबी का काम सीखना शुरू किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि काम सीख लेने के बाद किसी बड़े शहर में जाकर वॉशिंग डाइंग प्रिंटिंग वगैरह वगैरह ज्यादा रोग में डालो। मुझे यकीन है तुम जो काम भी करोगे उसमें तरक्की करोगे। क्यों नहीं ये तरक्की तो है। दादा पटवारी थे बाप खजांची और बेटा तरक्की करते करते धोबी हो गया। तुम जो काम भी करो मेरे लिए ठीक है लेकिन पिताजी के सामने सच भगाने ना बैठ जाना नहीं तो बना बना खेल बिगड़ जाएगा। तुम मुझे बच्चा समझती हो? अरे तुम्हारे पिताजी के सामने वो समा बांधूंगा कि वो इस धोबी के सामने गुलाम नजर आएंगे। क्या बकते? इंदु सुनो तो मैं मजाक कर रहा था। देखो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे तो मैं चली जाऊंगी।
प्यार हंसे, नई दुनिया बसे, जहां गम की न कोई रागी हो, धूप खिले मेरे हाथों की, तेरे मुखड़े सी रंगी चांदनी हो, प्यार हंसे नई दुनिया बसे, जहां गम कोई रागिनी हो, धूप खिले मेरे हाथों की, तेरे मुखड़े की रंगी चांदनी हो, जैसे गुलबू दिल में आरजू, जैसे गुलबू दिल में आरजू, और तन्या तू जहां जहां जी। कहाँ है जी? बाहर गए हैं, अभी आते हैं। तो फिर तहजीब को गोली मारो जी, जब वो आएंगे तो रंग जमा दूंगा जी। मजाक छोड़ो मदन, आज की मुलाकात हम दोनों की किस्मत का फैसला करने वाली है। तुम फिक्र न करो, फैसला हमारे हक में होगा। अरे तुम्हारे पिताजी को मनाना तो मेरे दाएं हाथ। ये मेरे पिताजी। पिताजी? तुम्हारे पिताजी? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या बात करते हो? मेरा मतलब है तुम कितनी गर्म मिजाज हो, और ये आहा, शकल से कितने शीतल, कितने मिलनसार दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह, कितना तेज है इनकी आंखों में, मगर ये तेज मुझसे नहीं कहा जाएगा। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मेरा मतलब है इनसे मिलने के लिए मुझे खास तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। प्रणाम पिताजी। जीते रहो बेटा। पिताजी प्रणाम। पिताजी जीते रहो जीते रहो। उठो बेटा उठो। पिताजी यही है मदन बाबू। अच्छा अच्छा, कहो कैसे हो बेटा? जी बस आपकी दुआ है। आओ आओ बैठो, चाय पियो। इंदु बेटा तुम जरा ऊपर जाओ। इंदु ने तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रखे हैं। अरे बेटा
खड़े क्यों? बैठो ना। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? जी कुछ जुकाम सा लग गया है, दवाई दूं? जी ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है इससे पहले हम कहीं मिल चुके हैं। जी मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई तो तुम खत्म कर चुके? जी हाँ। अब क्या करने का इरादा है? जी जी मैं बहुत बड़ी लाउंड्री खोलना चाहता हूँ, जिसमें डाइंग, प्रिंटिंग और वॉशिंग आदि सब कुछ। इसके लिए तो बहुत पैसे की जरूरत होगी। जी तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जी पैसे का लेन देन करते हैं। ओह तो साहूकार हैं? जी नहीं खजांची हैं। खजांची? जी लो चाय पियो। तो फिर जब जायदाद काफी होगी, तुम्हारे दादा क्या काम करते? जी उनका जमीनों का कारोबार था। ओ तो जमींदार थे? जी थे तो जमींदार, लेकिन मरने से पहले सारी जमीन भूदान में दे गए। अगर ऐसी बात है बरखुरदार, तो बिजनेस के लिए पैसा कहां से आया? दीवान साहब मैं रुपए से ज्यादा अपनी मेहनत और विश्वास पर भरोसा रखता हूँ। सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता बरखुरदार। खैर ये बताओ इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? जी इस वक्त तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मेरा मतलब है आजकल तुम काम क्या कर रहे हो? जी काम कर नहीं रहा, सीख रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ तुम इस किस्म का काम सीख सको। जी दरअसल बात ये है। दस्तखत पे कागज कर दीजिए। क्या बात है मुनीम जी, कागज पे दस्तखत कर दीजिए। तो भैया कहते हो? अच्छा आप इन्हें जानते हैं मुनीम जी? जी जानता क्यों नहीं, सुलह हो गई। सुलह? लड़ाई कब हुई थी? लड़ाई तो नहीं, लेकिन वो कल धोबी घाट पे था कुछ। मैं भी कहूँ तुम्हें भी देखा हुआ है। तो कल वो तुम ही थे, तुम धोबी हो? जी जी ये तो कहने की बात है, आप धोबी कह लीजिए। कहे कैसे लूं, मैं अपनी बेटी का हाथ एक धोबी के हाथ में नहीं दे सकता। जी धोबी के इंसान नहीं होते, छोटा काम करे तो मोची और बड़ा करे तो बाटा, छोटा काम करे तो जुलाहा और बड़ा करे तो खम्बाटा। बंद करो ये बाटा खम्बाटा। टाटा चुप रहो, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम जैसे को लड़की देने से पहले मैं उसका गला ना घोंट दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। पिताजी मगन, पिताजी घर आए मेहमान से ऐसा सलूक तो न कीजिए। खबरदार निकल जाओ यहाँ से। मदन बेशरम बेहा लड़की, क्या तुझे इसलिए आजादी दे रखी थी कि तू एक नीच कमीने धोबी से आंखें लड़ाए? चल मर ऊपर। मुनीम जी आप अभी इसी वक्त सदाई लाल जो खत लिखिए, इसकी शादी होगी तो नरेंद्र के साथ। जी मदन, बेटा मदन, मदन कहो मेलो कैसी हो? अच्छी हो लाजो बहन, आओ ना आओ अंदर बैठो। आओ भाभी आओ, आज इतनी मुद्दत के बाद देवर के घर कैसे भूल आई? ऐसे ही चली आई थी मैंने कपड़े देन। मैंने कपड़े? हाँ अपने मदन ने धोबी का काम शुरू किया है ना, मैंने सोचा दूसरों को जो कपड़े दूंगी अपनों को क्यों ना दूं। लो इन लो धोबी का काम अपने मदन ने। ये तो क्या कह रही है? वही कह रही हूँ जो घाट पर देखकर आई हूँ। तू तो ऐसे कहता है जैसे कि तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? सात पुश्तों से भी हमारे यहाँ किसी ने ऐसा कमीना काम किया है? ले जा ये चीथड़ उठाकर। देखो लोगों भले का जमाना ही नहीं है, मैंने सोचा था इसी बहाने चार पैसे की आमदन हो जाएगी और लगा है मुझे आके दिखाने। ले आ गया है बेटा पूछ इसे। धोबी का काम शुरू कर दिया तूने? हाँ बाबूजी। बस बड़ी मार रही है मुझे पता। मगर इसमें बुराई क्या है बाबूजी? बुराई? खानदान की इज्जत को चीज ही नहीं तेरे सामने। तू चाहता तेरी बहन की मंगनी टूट जाए, सारी उम्र ये घर में कुंवारी बैठी रहे, मोहल्ले गले के लोग हम पर थू-थू करें। लेकिन मैं किसी की जेब तो नहीं काटता, जुआ तो नहीं खेलता। बंद कर ये बकवास। क्या इसलिए तू पढ़ाई की थी? क्या इसलिए मकान ढूंढ रखा था? क्या इसलिए हमने भूख काटी थी कि तू धोबी बन जाए? ये पढ़ाई ही के कारण है बाबूजी जो मैं आज इस बात को समझ सका हूँ। हम हिंदुस्तानियों को झूठी शान नहीं देते। झूठी शान का बच्चा, शुरू से ही तेरा मेल जोल नीच कमीनों के साथ रहा है। तू आदमी नहीं चांडाल है को पिछले जन्म का, हमारी खोटी किस्मत इस घर में पैदा। बाबूजी मत नाम ले मेरा, आज से मैं तेरे लिए मर गया तू मेरे लिए। हाँ जी कुछ सोचते रहो, क्या कर रहे हो? निकल यहाँ से। अगर तुम्हें यूं काला करना है तो चला जाए इस शहर से।
ताकि तेरी मनहूस सूरत कोई न देख सके। तू ही मान लो बेटा, छोड़ दे इस काम को। माँ, तू मुझे समझने की कोशिश कर। मैं कहता हूँ जाता है नहीं, निकल यहाँ से, निकल। बाबूजी दफा हो। भैया, मदन, मदन, भैया, रोको, अरे भाई रोको मेरे बेटे को। समझ ले, आज से तेरा बेटा मर गया। छोड़, छोड़ मुझे। तू क्या जाने माँ के दिल का दर्द, तुझे तो संध्या दिया है बुढ़ापे और मुसीबत ने। मेरा बेटा, मैं नहीं बचूंगी। मरन आज ही लोले चेता हूँ। माँ पिताजी ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। जो हुआ ठीक ही हुआ इंदु, आदमी जब तक जिंदगी में कुछ हो न जाए उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। आज बाबूजी ने ही मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ, अब मैं जा रहा हूँ कहीं दूर। कहाँ नहीं जानता। मैं न जाने दूंगी तुम्हें, जाना है तो मुझे भी साथ ले चलो। बच्चों की सी बातें ना करो इंदु, तुम्हें कमीर बाप की बेटी सुख चैन की जिंदगी बसर करने वाली। जहां मैं जा रहा हूं वहां की लू का तुम एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सकोगी। तब तुम मुझे नहीं जानते। तुम मेरे साथ हो तो मैं आग में भी अपनी दुनिया बसा सकते हैं। तुमसे अलग मुझे अपने जीवन का कोई अर्थ नजर नहीं आता। लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो ये समझ लो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। इंदु, इंदु, मैं न जानता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं तो, तुम मेरे साथ हो, मेरी तो दुनिया ही जगमगा उठे। मैं कह दूं दो अच्छा तेंदु, मैं रात को 11 बजे बगिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जली निकले ऐसी कमीनी हरकत करने से पहले खानदान की इज्जत का तो ख्याल किया होता। पिताजी, शादी होने से पहले इस घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चल मर। उसने कहां अमीर घर का ऐश और आराम, कहां ये बाहर का तूफान, कहां एक अफसर से रिश्ते की बातचीत और कहां एक भिखारी का साथ। प्यार
मोहब्बत सब बातें हैं जो बंगले के सोफे पर बैठकर ही अच्छी लगती है। जब अंधेरा आता है मदन तो साया भी साथ छोड़ देता है। इस भरे संसार में तू अकेला है, अकेला ही चल दे, तेरा सफर लंबा है, रास्ता तारीख मंजिल गुम। तो कहा भी मोतीराम जी से कि इतनी जल्दी धनी राम जी लड़की का ब्याह दे कैसे सकेंगे। फिर क्या कहा उन्होंने? कहते क्या, समदन ने जीत पकड़ ली, बोली डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में नौकर हो गया है बेटा, मैं तो पहले सहरे बांधूंगी तब नौकरी पे भेजूंगी। पुरोहित जी से मेरे नमस्कार कह दीजिए। नमस्कार नमस्कार जजवानी, कहो कैसी हो? कहिए अच्छी हूँ। कुछ चाय पानी भी पूछा? हाँ हाँ पिया पिया, सब कुछ पिया जजवानी। 15 दिन में रिश्ता मांग रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता ये सब होगा कैसे। लड़की लड़के का ब्याह है, कोई गुड्डी गुड्डी का तो नहीं? वो तो सब ठीक है जजवानी, पर इतने अच्छे वर मिलते कहाँ हैं? तुम तो जानती हो कि लड़के वालों का हाथ हमेशा ऊपर होता है, कहीं मंगनी तोड़ दी तो उनका क्या जाएगा, आप ही की बदनामी होगी, सोच लीजिए। फिर सोच क्या लें पुरोहित जी, लड़की वाले बेचारों की जान मुट्ठी में दबी चिड़िया की तरह होती है, जिसे न जिंदा कह सकते न मुर्दा। मोतीराम जी से कह दीजिए जैसा वो कहते मंजूर। अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपकी हाँ उन तक पहुंचा देता हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते जजवान। नमस्ते। तुम भी हद करते हो, कैसे हाँ कर दी? जेवर बनवाने हैं, दहेज का सारा सामान बनवाना है, बारात महल्ले बरादरी की रोटी। अब मरता क्या ना करता, कुछ तो करूंगा ही। उधर कमी कमीन भी नजर लगा। हो जाएगा सब हो जाएगा। बात यह है भाई, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। अरे बस इसमें से जितने की क्या बात, कब जाए? 12 तारीख को शादी है और सब तैयारियां करनी है, एक आध दिन में ये तो जरा मुश्किल है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि व्यापारियों के पास नकद पैसा जरा कम ही रहता है। धनीराम तुम ऐसा करो कि फिलहाल किसी और से लेकर अपना काम चला लो और फिर 15 दिन के बाद मुझसे लेकर उसे लौटा देना और मेरे पैसे चाहे 10 साल बाद देना। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदावन, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? मैंने तुझ पे कोई एहसान किया है? शीला क्या मेरी बेटी नहीं? क्यों नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, आज जो तुमने मुझे सहारा दिया है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अरे छोड़ो ना यार। अच्छा, जैसा तुमने कहा है मैं दूसरी जगह से इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, भगवान ने चाहा तो शायद हो ही जाए। आपके बारे में तो सूद का सवाल ही नहीं पैदा होता। बात दरअसल यह है कि भाई साहब जापान गए हुए हैं और आप तो जानते ही हैं लेन देन का काम वही संभालते हैं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अच्छा जी, नमस्ते। तुम जाओ। अरे भाई आज वक्त हो गया, कल आना। आज टैक्स देने की आखिरी तारीख है लगा जी, नहीं तो जुर्माना हो जाएगा। अच्छा ला। बधाई हो लाला जी। बधाई जाएगी। आपकी बेटी की शादी तय हुई है ना, तंबूर कनातों का ठेका हमें ही दीजिएगा, अपने शहर में जो भी लीडर आता है उसका सब बंदोबस्त हम ही करते हैं। अच्छा भाई, वो समय तो आने दो। धनीराम
तुम ऐसा करो कि फिलहाल किसी और से लेकर अपना काम चला लो और फिर 15 दिन के बाद मुझसे लेकर उसे लौटा देना और मेरे पैसे चाहे 10 साल बाद देना। जिंदा यही गनीमत है, तुम्हें मालूम है ना इस साल कितनी बरसात पड़ी है, उसी से दरिया में तूफान आया और लाखों रुपए की लकड़ी बह गई, आग की आग में कंकाल हो गया धनीराम। तुम मुझे माफ कर सकोगे क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो धनीराम? तुमने जिंदगी में पहली बार मुझसे मदद मांगी, लेकिन कुदरत को यह भी मंजूर न था। अब 5,000 तो क्या, मैं तुम्हें 5 पैसे भी नहीं दे सकता। हौसला रखो बिंदावन, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। लाला जी, बड़े साहब ने आपको सलाम भेजा। अच्छा अच्छा, क्या धनीराम, 5,000 रुपए की रकम अभी तक ऑफिस में पड़ी है, इसे बैंक में क्यों नहीं जमा कराया था? जी भूल से रह गई, इतने सीनियर आदमी होकर ऐसी गलती करते हो? तुम्हें मालूम ये पब्लिक का पैसा है, वो तो कैद हो गए या मुझे जेल भिजवाओगे। खैर अभी तो बैंक बंद हो गया है, कल सुबह इसे बैंक में जमा कराओ और मुझे एंट्री दिखाओ। जी बहुत अच्छा। Ha ha ha!
भगवान की करनी के सामने किसकी पेश चलती है बहू जी, जो होना था सो हो गया। अब चलिए मेरे साथ। चाचा माफ नहीं बोलते, मुझसे नहीं देखा जाता बहू जी। चलिए अब यहाँ रखा ही क्या, घर था वो भी छिन गया, साहूकार बाल खड़ा सोच रहा है कब कब्जा मिले। मेरे लिए नहीं तो इस मासूम बच्ची के लिए चलिए बहू जी। छोटे मामू, गुरुदेव, गुरुदेव,
तुम्हारा छोटा बाबू बड़ा हो गया है, जानता हो वहाँ शहर में अपना काम चल निकला, 20 आदमी नीचे काम करते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सबके लिए लाया हूँ, मुन्नी के लिए फ्रॉक, शीला के लिए साड़ी, माँ के लिए कश्मीरी शाल और बाबूजी के लिए, ठहरो ये देखो, जाते वक्त क्या गालियां दी थी उन्होंने मुझे, अब जो रुपयों का ढेर लगा दूंगा उनके सामने तो खुश हो जाएंगे। पैसे उनके पांव पर रखते हुए कहूंगा, अब घर बार का बोझ सब मेरा है, आप छुट्टी कीजिए। क्या बात है रामलखन, तुम रो क्यों रहे हो? बाबूजी कहा है ये सब देखने को। क्या मतलब? नहीं 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 रामलखन, यही दरिया पे कपड़े मिले थे उनके बाबूजी। धीरज रखो छोटे बाबू, धीरज रखो। कितना कुछ किया मेरे लिए बाबूजी ने, आज जब मेरा वक्त आया तो मैं बदकिस्मत। होने की बात है छोटे बाबू, हौसला रखो, तुम हिम्मत हार दोगे तो बहू जी और मुन्नी बिटिया का क्या होगा, तुम ही तो सहारे हो उनके। चलो उठो, घर चलो छोटे बाबू, उठो, हिम्मत रखो। जानता हूं मां, रामलगन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अगर ये देवता भी मुझे सहारा न देता तो मैं तो मुन्नी को लेकर कहीं डूब मरने जा रही थी। राम 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 राम, ये आप क्या कह रही हैं बाबूजी? नहीं नहीं रामलगन, तुम्हारे हम लोगों पर बहुत एहसान है। मां, मैंने तो जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पाया, सिर्फ इसी की बदौलत है। अब तू चिंता मत कर मां, तेरा बेटा आ गया है, कमाऊ बनकर आया है, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। और हाँ, परसों भैया दूज है, मैं शीला से ही मिलाता हूँ। भैया मेरे लिए कितना अच्छा सोरा है, चाचा देखो कितना अच्छा बना के। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। छोटे बाबू पहले मुंह हाथ धो लो, बहुत थक गए होगे। चलो। हाँ बेटा चलो। अबे ये तो भैया मालूम होते हैं। भैया मुझे बिना देखे कैसे पहचान लिया? पहचानती कैसे नहीं, ऐसे पत्ते जैसे हाथ और किसके हो सकते हैं? अच्छा, तो हमारे जीजा जी के हाथ कमल के फूल जैसे होंगे। चला तो कैसे हैं हमारे जीजा जी? अच्छे तो हैं। दफ्तर गए हैं। तो मैं कौन सी जल्दी में हूँ, शाम को मिलूंगा। भैया आज सुबह से मेरी बाई आंख पड़ गई थी, मैंने सोचा आज जरूर कोई अच्छी बात होगी। तो फिर कुछ हुआ? भैया दूज के दिन तुम आ गए, इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैं भी तिलक लाती हूँ। हल्ले हल्ले याद, उस वक्त मुझे पिताजी की डांट बुरी लगती थी,
लेकिन आज उसी डांट के लिए दिल तरस रहा है। इन्हें तो सब कुछ मालूम हो चुका होगा। शीला, तेरे साथ बर्ताव तो ठीक है ना इनका? ये सब तो बहुत अच्छे हैं। मैं अभागिन हूं, अगर मैं ना होती तो पिताजी को ऐसा क्यों करना पड़ता? नहीं नहीं शीला, ये सब कसूर मेरा है। वक्त आने पर न मैं बाप के लिए बेटे का फर्ज अदा कर सका और न बहन के लिए भाई का। भैया ऐसी बातें मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरा भैया जुग जुग जिए, फले फूले और वो जिंदगी में इतना बड़ा हो कि आसमान का सितारा बन के चमके। बहू ये क्या कर रही है? मैं पूछती हूँ इसे अंदर किसने आने दिया? जो हो चुका है वो क्या कुछ कम है? हजार दफा कह चुकी हूँ, अगर इस घर में रहना है तो सौ महीने ये सब तेरे लिए मर चुके। माँ जी भगवान के लिए आज के दिन है तो मत कहिए, इतने दिनों बाद भैया आए हैं, इनका अपमान तो मत कीजिए। जिन्हें मान अपमान का ख्याल होता है वो धोबियों का काम नहीं करते, वो चोरियां नहीं करते। माँ जी भैया क्या आखिर निकाल रहा है? इतने दिन बाद तेरी बहन को घर में रखे हुए हैं, ये क्या कुछ कम है? और ऊपर से हमें ये याद दिलाने आया है कि हमारा रिश्ता तेरे जैसे नीच लोगों के साथ है। माँ जी मेरे खानदान की इज्जत के बारे में। आया इज्जत वाला, ज्यादा इज्जत का ख्याल है तो निकल जाए यहाँ से। भैया मुझसे अगर तेरे दिल में भैया के लिए इतना ही दर्द है तो तू भी जा सकती है इसके साथ। इस घर में रहना है तो याद रख, इन लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए भूलना होगा। भैया हाँ शीला, माँ जी ठीक कहती है, तू मेरी बहन बाद में है, सबसे पहले तू इस घर की बहू है। जा जा अंदर जा, जा। माँ जी शीला की बात का बुरा मत मानना, वो बच्ची है, गलती मेरी है जो मैं यहाँ चलाया। क्यों बेटा, मिलाया अपनी बहन से? हाँ माँ। कैसी थी मेरी लाडो? बहुत ही खुश थी। अच्छा? हाँ। उसके सास ससुर तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने मेरी बड़ी खातिर की। शुक्र है भगवान तेरा, कम से कम मेरी बेटी तो खुश है अपने घर में। तूने कितने अच्छे लोगों से हमारा रिश्ता जोड़ा। हाँ माँ, दुनिया में ऐसे संबंधी बड़ी किस्मत से मिलते हैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है मदन बेटा कि धनीराम जैसा ईमानदार आदमी जिसने अपनी 20 साल की सर्विस में एक पाई इधर से उधर नहीं होने दी, वो 5000 रुपए का गबन करे। हो सकता है बैंक जाते हुए रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो भगवान ही जानता है प्रेसिडेंट साहब। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये पब्लिक का पैसा है और इसीलिए मैं इसे लौटा रहा हूं, ताकि मेरे स्वर्गीय बाप के नाम पर कोई दाग ना आने पाए। काश आज वो जिंदा होते। मदन, जिस बाप का बेटा तुम जैसा हो वो मरा नहीं, जिंदा है। अच्छा तो मैं चलूं। अच्छा कहिए विलायती राम जी, आज इधर गए थे? अरे भाई वो अपने दीवान कुलवंत राय जी है ना, आज उनकी लड़की की शादी है। नहीं नहीं अच्छा अच्छा भैया। अरे बैठ भी। माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज ही शाम की बस से चले जाएंगे। आज ही? हाँ माँ। रामलगन तुम भी तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी क्या है छोटे बाबू? जल्दी ही की बात है, अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। वही गलियां, वही बाजार जो कभी मुझे अच्छे लगते थे अब काटने को दौड़ते हैं। और फिर काम का भी तो हर्ज हो रहा है।
हाँ बेटा ठीक ही तो कह रहे हो, चल मम्मी जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा तो मैं ये कपड़े दिन धो ही लौट आता हूँ। जमनिया, ओ जमनिया, कहाँ हो? अरे सब सामान बांध रहा, संजस से जाएगी पड़ी, हम आवत है। चाचा जी। हाँ बाजे वाले को कह दिया था? हाँ बेटा वो तो कब के ठिकाने पहुँच गए। अच्छा जी। अरे रामनगर कहो कैसे है? आपको बधाई देने आया था सरकार, आज शाम को बंबई जा रहा हूँ। बंबई? हाँ सरकार, वहाँ नौकरी मिल गई। अरे कुछ दिन बाद चले जाते, यही तो मौका था तुम्हारे पैसे कमाने का। क्या करूँ सरकार, मजबूरी है, नहीं तो ऐसे शुभ दिन में कपड़े लौटाने थोड़ी आता। अच्छा अच्छा मुझे भगवान आपको। दीवान जी अभी अभी बारात ने सुना है कि मैं आ रहा हूँ। क्या कहा? तुम आ रहे हो? मैं तो कब का आ चुका, अब तो बारात आ रही है। अच्छा अच्छा बताओ, मत कपड़े अंदर ले लो। चलो बिठिया कहाँ है सरकार, जरा मैं उसे भी चीज देता जाऊँ। जाओ जाओ ऊपर। अरे खड़ी क्या कर रही है, जल्दी से चीजें ला। लाती हूँ रानी बिटिया। और रानी बंबई जा रहा था, मैंने सोचा रानी बिटिया को आशीर्वाद देता जाऊँ। बंबई? हाँ वो लाला धनी राम जी के लड़के है ना मदन बाबू। हाँ वो आजकल मेरे यहाँ आए हुए हैं ना, उन्होंने बंबई में अपना काम शुरू किया है, आज शाम को हम सब जा रहे हैं। शाम को? हाँ बिटिया 6:30 की बस पकड़नी है। अच्छा बिटिया जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो, मेरा तो यही आशीर्वाद है। वो हमेशा तुझे बेवफा समझता रहेगा। समय बीता जा रहा है, अगर तूने हिम्मत से काम न लिया तो जीवन भर पश्चाताप की आग में जलती रहेगी। दो जगह से टूट गई, खैर वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ज्यादा फिक्र इस बात का है कि घुटने पर हैमर लगाने से कोई जुम्बश पैदा नहीं होती। क्या मतलब? मालूम होता है शौक ने दोनों टांगे बेजान कर दी। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे, शायद ठीक हो जाए। बेटा क्या है चाचा जी? बाहर नरेंद्र आया हुआ है। नरेंद्र आया है? मेरी तो उसके सामने आंखें नहीं ऊंची होंगी चाचा जी। उस लड़की ने हमेशा के लिए मेरा मुंह काला कर दिया है। खैर आप अंदर बुला लीजिए, लेकिन पहले मुझे बाहर जाने दीजिए।
ये सब जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। इसमें आपका क्या दोष बेटा? मैंने ही आपको परेशान किया। ये सब अनजानेपन में हो गया। मुझे जरा भी पता होता तो मैं ऐसा कभी ना होने देता। काश मैं आपको मिलकर ये सब बता सकती। वाकई जिंदगी में प्यार से बड़ी और कोई चीज नहीं। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूं अगर मोहब्बत करने वाले दो दिलों को मिला सकूं। नरेंद्र बाबू, एक वक्त था जब मैं उनके दुख दर्द में शरीक हो सकती थी, उनके जीवन का उजाला बन सकती थी, लेकिन अब जबकि अपना ही बोझ बहुत है उनके लिए, तो मैं सपाहत शरीर को लेके उनके सुना जाऊंगी, पूछना बनूंगी उन पर। आप इतना मायूस मत होइए, मेरा दिल कहता है आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। भगवान आप जैसी नेक आत्मा को ज्यादा दुख नहीं दे सकता। बाकी इस सिलसिले में अगर मैं कुछ कर सका तो अपने आप को धन्य समझूंगा। नरेंद्र बाबू, हम जिंदगी में और कुछ ना हो सके, दोस्त तो हो सके। अरे आओ आप पटनाल जी, चलो चलो खाना। मारो ऑर्डर को क्या हुआ? बस सेठ जी, 6000 गज कपड़ा तैयार हो गया है और बाकी 9000 गज का है। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता था। आप तो जानते हैं सेठ जी, सरकार की इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से विलायती दाइयां आनी बंद हो गई है। जो मार्केट में थी वो बड़े बड़े सेठों ने दबा कर रख ली है ब्लैक में बेचने के लिए। तो फिर अगर आपको इतराज न हो तो मैं देसी दाइयां। देसी छापा यहाँ नहीं चलेगा, मेरा ऑर्डर तो पहले को है, मैं तो वही लूं। सेठ जी, अगर हम विदेशी माल के पीछे ही पड़े रहे तो हमारे देश की दस्तकारी कैसे तरक्की करेगी? मैं यहाँ देशभक्ति के भाषण सुनने नहीं आया हुआ, आजादी से पहले बहुत सुने हुआ है। छापा ब्लैक में चले गया है तो तुम भी ब्लैक में खड़े हो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं उसूली तौर पर ब्लैक का धंधा नहीं करूंगा। तो फिर मारो ऑर्डर कैंसिल। सेठ जी रहने दो, बड़ा आया सूल वाला। सुनिए तो सेठ जी, या सूल का पालन करो या धंधा करो, मेरा सारा कपड़ा वापस कर दो। कुछ तो सोचो सेठ, आपके इस ऑर्डर के लिए हमने 20 ही छोटे छोटे ऑर्डर लौटा दिए। हमारा छोटा सा कारखाना है, उधर आता इधर पेट में जाता है, अगर आपने ऐसा किया तो हम लोग को कितना नुकसान पहुंचेगा? या मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मेरा सारा कपड़ा शाम तक वापस कर दो, वरना मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सेठ जी जाने दो, मदन भैया हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या ठीक है? रोटी देने वाला ऊपर है, ये फोकट लाल ने। ब्याही बनी गई, बच्चे की माँ हो गई, अभी तो इसे ठुमको ही करता है। अरे माँ, अगर ये दादी भी हो जाए ना तो मेरी ठुमको ही रहेगी। अरे, अरे मेरा मदन बेटा। आहा माँ जी, प्रणाम प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। आखिर मेरी ही दाद काम आई, अगर मैं उस दिन वो सब ना कहती तो क्या तुम इतना उठाओ खाते? और दे दो माँ जी, मैं करोड़पति बन जाऊं। गालियां भी कैसी जो दिल से निकली हो। कोई और होता तो गुस्सा मान लेता। अरे तू जिससे उस दिन तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने तुम्हारी कितनी तारीफ की। आपने बड़ी जल्दी की माँ जी, लोग तो मर जाने के बाद तारीफ करते हैं। शुभ शुभ बातें करो बेटा, अब तो हमारी सारी उम्मीदें तुम पर आ लगी हैं। ईश्वर करे तुम लाख बरस जियो, तुम्हें ही लगे। ऐसा ना कहो माँ जी, अगर आपकी उम्र भी मुझे लग गई तो मैं सेवा किसकी करूँगा। बेटा तो तूने जना है लाजो, एक अपना है
इसका वो मेरा पत्थर का पत्थर। तुम चुप रहो ना माँ। अरे क्या चुप रहूं, बिल्कुल गोबर गणेश है गोबर गणेश। नहीं बहन जी, ऐसी भी क्या बात है? ऐसी ही कुछ बात है लाजो बहन। बेटा हाँ? अब तो मुझसे भी यही ले आओ, किसी काम बना दो। छी 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 माँ जी, ये तो धोबी का काम है। अरे वो सब कुछ करेगा निगोड़ा, सुना नहीं तुमने? उत्तम खेती, मध्य व्यापार, निखित चाकरी। तुम चुप भी बैठोगी माँ? बहन जी चलिए ना, खाना तैयार है। अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा बेटा मैं खाना खा के अभी आती हूँ। है क्या क्या बनाया है लाजो? सब कुछ बनाया है माँ जी, जाकर तो देखिए। अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा 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 चलिए जी। भैया भैया, तुमने दीदी के मुन्ने को देखा? क्यों यार, स्कूल के बच्चे? तेरे बाप ने हमको छाला बना दिया था और तूने मामू? भैया भैया, दीदी कहती है वो बाजार तरकारी लेने गई थी तो मुन्ना ले आई। चुप रह। क्यों चुप रहा हूँ? भैया भैया, तुम भी बाजार जाओ ना। अरे भैया क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी तस्वीर बना रही हूँ, तुम उठ के चल दिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम वहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है। देखो ये कौन है? ये भगवान है। ये भगवान है? हाँ। अच्छा, अगर वो भगवान है तो फिर ये तो भूत होगा। ये भूत नहीं है, तुम हो। अपनी शक्ल नहीं पहचान सकते। ये मेरी शक्ल है? हाँ। अच्छा, और ये कौन है? ये भाभी है। क्या भाभी? भाभी है, भाभी है, भाभी है। शरीर कहने की। रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। जब से आई हूँ देख रही हूँ ऐसी बातें करते करते एकदम गुम हो जाते हो। अब तो भगवान का दिया सब कुछ है, बस कमी है तो एक बात की। भैया अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ लो ना। जीवन साथी? हाँ, आखिर सब कुछ है तो किसके लिए? मुझसे कौन लड़की शादी करेगी? क्यों, वो इंदु का क्या हुआ? शीला, फिर कभी उसका जिक्र मत करना। क्यों भैया, मुझे तो वो बहुत पसंद है और माँ को भी। तुम्हारे जाने के बाद हमसे मिलने आई थी, उसकी बातों से पता चलता था कि वो तुम्हें कितना प्यार करती है। प्यार? प्यार जब कोई जिंदगी के दोराहे पर आकर खड़ा होता है, जिसके एक तरफ प्यार हो और दूसरी तरफ दौलत, तो वो सिर्फ दौलत की तरफ चल देता है। उसे तो शादी की हुए एक साल हो गया, कहीं बैठी ऐश कर रही होगी। क्या हुआ, फिर कुछ तोड़ा? हजार मरतबा कहा है कि किसी चीज की जरूरत हो तो किसी को बुला लिया करो। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि तुम एक अपाहज हो? अपाहज जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मुसीबत है। यही हश्र होता है तुम जैसी लड़कियों का। Thank you.
मजदूरी पर आदमी रखने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? वो नहीं काम में तक तुआ वर्ष कर रहा है, आप फिक्र ना करिए, सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारा नाम? दीनानाथ सरकार, मुझे रंगाई छपाई का सब काम आता है सरकार। आता है? आता है सरकार। राम राम सरकार। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। मेहनत का काम कर सकोगे? जी, आप जो भी कहेंगे करूँगा। जो भी खाता काम ध्यान से करना। क्या लीजिए ना पंडित जी, बस एकदम प्रसन्न हो चुके हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिले, हमारी यही प्रार्थना है। शेर सिंह जी, माँ जी, ये लो मजदूरों को मिठाई बांटा। बहुत समझ बोलिए, अरे क्या करेंगे, बेबी को जगा देगी क्या? जा तू भी शेर सिंह के साथ जा, मजदूरों को मिठाई बांटा, जा। अरे मालो, सुबह से कितने चूहे खाए? जितने तुमने खाए हैं उससे एक कम। बहुत अच्छे। लो। मुन्नी तेरा ब्याह कब होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है? बाबा तुम भी मिठाई ले लो। अरे भैया, अपने कारखाने के मालिक की छोटी बहन है। कारखाने का मालिक? हाँ, मदन भैया। भैया? हाँ। वो इस कारखाने का मालिक है? वो इतनी बड़ा हो गया? मेरा बेटा। मदन? मदन? मदन भैया से मिलना? हाँ हाँ। वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ है? वो तो घर में है, आलिम के पिताजी के साथ है ना। शराब? हाँ, उसका बाप मर चुका है, वो तो कभी का मर चुका है। तुम क्या मुंह लेकर उनके पास जाओगे धनीराम? अब तुम्हारे गुनाहों का साया उनके कुछ न पढ़ना पड़ना चाहिए। जिस गुमनामी की खाई में तुम पड़े हो, अब वही ठीक है तुम्हारे लिए। तुमने जमनिया चाची से फिर झगड़ा शुरू कर दिया? झगड़ा वो करती है, रोज सिनेमा जाती है छोटे बाबू। अरे तो देखने दो, तुम्हारा क्या जाता है? आप तो जानते हैं कि बंबई शहर है। यहाँ कौन नहीं आया? वो गोपाल भैया, उनका बेचारा बीमार है। अच्छा, समझ में नहीं आता, आज शाम तक ऑर्डर सप्लाई करना है, कैसे काम होगा? घबरा मत, मैं उसका काम किया देता हूँ। अरे छोटे, अरे करने दो ना, मुझे बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं रही, आज मुझे फुर्सत है। आज अपने दिल के सब दाग बोले, आज
अपने दिल के। सुनो, दफ्तर वालों से कह देना गोपाल की मजदूरी न कटे, बीमार है बेचारा। अच्छा छोटे बाबू धोले आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू। मदन बाबू हाँ, नया वेलफेयर ऑफिसर आया है, बिठाओ दफ्तर में। बहुत अच्छा। हाँ धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले। माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, काम में ऐसा हो ही जाता है। हाँ जी कहो भाई, तुम्हें तनख्वाह बराबर वक्त पे मिल जाती है या नहीं? जी जी हाँ जी हाँ मिल जाती है। कितना बड़ा कुनबा है तुम्हारा? जी मेरा अलावा बस दो और हैं, माँ और बहन। बहन की शादी के लिए कुछ जमा किया या नहीं? जी अभी तो वो छोटी सी है। छोटी है जी? आप कहो भाई, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं? जी तकलीफ ये है कि कोई तकलीफ नहीं। आप तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आ गए होंगे? जी यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। मदन भैया आप हैं मैं वेलफेयर ऑफिसर और आप ही हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। आप जी क्या मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं लगता? दरअसल मैं इनमें से एक हूं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए चलिए आइए। एक दीवार मजबूर की जगह आपको काम करते देखकर मुझे अचंभा हुआ। बात यह है एक ऑर्डर आज ही पूरा करना था, मुझे कोई दूसरा काम न था और वो मजदूर था डेली वेजेस में, उसे अपनी मजदूरी मिल गई, अपना काम भी हो गया। बैठ। ये कोई मामूली बात नहीं है मदन बाबू, ऐसी बातों से काम करने वालों के दिल में एक गर्व पैदा होता है और वो जी जान से काम करते हैं, जो उनकी उनके मालिक की और देश भर की उन्नति होती है। और फिर मैंने वो हाल भी देखा है जो आपने कामगारों के मनोरंजन के लिए बनाया, इन सब बातों के लिए मैं आपको बधाई दूँ। शुक्रिया। लेकिन असली बधाई हमें तब मिलेगी जब आप अपने शुभ हाथों से उस हॉल का उद्घाटन करें। जी जरूर जरूर, ऐसी सुंदर संस्था के लिए मुझे कुछ भी करके खुशी हो। साथियों कितनी खुशी की बात है कि सरकार के लेबर वेलफेयर ऑफिसर श्री नरेंद्र कुमार आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपकी मेहनत के फल इस मनोरंजन हॉल का उद्घाटन इनके शुभातों से होने जा रहा है। श्री नरेंद्र कुमार जी के साथ एक छोटी सी मुलाकात में मैं जो कुछ भी जान पाया हूं उससे मैं कह सकता हूं कि यह न सिर्फ हम मजदूरों और कामगारों के लिए अपने सीने में एक हमदर्द दिल रखते हैं बल्कि देश और मानवता के लिए भी इनके दिल में एक सच्चा प्यार है। अब मैं इनसे विनती करूंगा कि अपने विचार आप लोगों के सामने रखें। दोस्तों ये मत समझिए कि मदन लाल जी ने मेरी तारीफ की इसलिए मैं उनकी तारीफ करने जा रहा हूं, बल्कि ये हकीकत मजदूर और माली आपसी रिश्ते को जैसे मदन लाल जी ने समझा और निभाया वो एक मिसाल है देश भर के सनतकारों के लिए, क्योंकि एक ऐसे ही खूबसूरत रिश्ते की बदौलत हम सबकी उन्नति हो सकती है, हमारे देश की उन्नति हो सकती है। अब मैं इस मनोरंजन हॉल का उद्घाटन करते हुए वो फैसला आप लोगों के सामने रखता हूं जो मजदूरों की कमेटी ने अभी अभी मेरे हाथ में दिया है। सब मजदूरों की मनोकामना थी कि इस हॉल का नाम एक ऐसी महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाए जिस पे वो हमेशा हमेशा के लिए फख्र महसूस करें। चुनाचे सब ने मिलकर यह तय किया है इस हॉल का नाम धनी राम हॉल रखा जाए। इस खूबसूरत फैसले पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि मदन लाल के स्वर्गीय पिता की याद को अमर करके आप लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि फल से जड़ का रुतबा बड़ा होता है। मैं धन्य समझता हूं उस बाप को जिसने अपने सपूत की रुचियों को समझा और उन्हें फलने फूलने की पूरी आजादी। धनीराम जी चाहते तो उनका बेटा भी कहीं क्लर्क या अफसर हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को वो रास्ता चुनने की इजाजत दी जिसमें गढ़े थे कांटे थे, जहां खून था पसीना था और आंसू थे। ये धनीराम ही थे जिन्होंने अपनी औलाद के दिल से उस कमती के एहसास को मिटा दिया जो हमारे देश के नौजवानों में हाथों की मेहनत के बारे में पाया जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि आज के हिंदुस्तान में दराती पकड़ने वाला किसान या हथौड़ा थामने वाला मजदूर भी देश की उतनी ही खिदमत करता है जितनी कि दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने वाला क्लर्क या अफसर।
आखिर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के हर नौजवान को धनी राम जैसा बाप मिले, ताकि ये देश दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। साथियों, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। आज जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे मालूम न था कि आप अपने सॉल का नाम मेरे मान्यवर स्वर्गीय पिताजी के नाम पर रखेंगे, और ये तस्वीर उन्हीं की तस्वीर होगी। मुझे इस बात का अंदाजा भी न था कि आप लोगों का प्यार इतना बड़ा सागर है जिसे बयान करने के लिए मेरे पास बेटा बाप के बारे में क्या कह सकता है। वो बाप है, और इसके बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर मेहनत की, ऐसी मेहनत जिसने उनकी कमर तोड़ दी। आज मैं जो कुछ भी जान पाया हूं वो उस तालीम की बदौलत है जो उन्होंने मुझे दी, और जिसके लिए उन्होंने अपना आप भी बेच दिया। काश मेरा थका हारा बाप आज ये सब देख पाता। मेरे पिता का सम्मान करके आपने मेरा सम्मान किया है, जिसके लिए मैं माननीय सभापति और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। अरे रघुबा, नरेंद्र बाबू ने एक ही बात उल्टी करी। वो क्या? ये तो नहीं कह सकते कि हर बेटे को ऐसा बाप मिले। हाँ, ये कह सकते हैं कि हर बाप को ऐसा बेटा मिले। आओ बताएंगे, आओ। मेरे घर से तूने मुंह काला करना है तो चला जा, ताकि तेरी मन हो सके। मैं धन्य समझता हूं उस बाप को जिसने अपने स्कूल की रुचियों को समझा और उन्हें फलने फूलने की पूरी आजादी दी। अरे गट्टू बा, नरेंद्र बाबू ने एक ही बात उल्टी करी। वो क्या? ये तो कह नहीं सकते कि हर बेटे को ऐसा बाप मिले। हाँ, ये कह सकते हैं कि हर बाप को ऐसा बेटा मिले।
गोपाल भैया, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मालूम है यहाँ रात को आने की मनाही है। जाओ जाओ, आराम करो जाके। अच्छा अच्छा, देखिए आपके पिताजी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए डॉक्टर के यहाँ रुक गए, जरा देर से आएंगे। वैसे डॉक्टर की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगे। शुक्र आपके एहसानों का बदला हम लोग कैसे चुका सकेंगे? देखिए अगर आप ऐसे शर्मिंदा करेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नरेंद्र बाबू, खैर अभी तो मैं सचमुच ही काम पे जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नौकर से कह दीजिएगा। अच्छा मैं चला। बाबू जी, उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया है। हाँ तू तो हमेशा किसी न किसी काम में ही लगा रहता है, बात भी करूं तो कैसे? ओ मेरी रानी माँ, तेरे लिए मुझे कोई काम नहीं, बस बता क्या बात। चल हट, भगवान की इतनी दया होने पर भी मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, सब सुन सुना मालूम होता है। सुना सुना मालूम होता है? हाँ तो फिर क्या किया जाए? हाँ तुझे तीर्थ यात्रा करा लाऊं। मेरी तीर्थ यात्रा तो अपने आप हो जाएगी जब इस घर में बहू आएगी। माँ मैंने तुझे हजार बार कहा मेरी शादी की बात मत किया कर। पर देख मदन सुन बेटा, मैंने कह दिया ना मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नरेंद्र बाबू हैं जी? वो बाहर गए हैं, 10-15 मिनट में आते होंगे, आपको इंतजार करने को बोल रहे हैं। अच्छा सर, नरेंद्र बाबू ही थे। माफ कीजिए मैं आपको शादी की बधाई देने भी ना सका, आता भी कैसे, जिंदगी ने मोहलत ही न दी। खैर अब भी क्या बिगड़ा है, मुबारक हो। और हां मुझे एक बात की और माफी मांगना है, मैं उस रात वहां भी ना पहुंच सका, तो मुझे अफसोस है। आप घर से निकली होंगी बड़ी उम्मीदों अरमानों के साथ, और रात और आधी रात, ऊपर से बरसात, उस वीरान बगिया में डरती कांपती भीगती हुई मुझ बेवफा का इंतजार करती रही होंगी। पहले एक का गजर बजा होगा, फिर दो का, फिर तीन, चार, आखिर मायूस होकर मुझ निर्दय को कोसती हुई चली गई होंगी। मदन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या जरूरत है, ठीक ही तो किया आपने, मेरे पास था क्या आपको देने के लिए सिवाय मोहब्बत के, जो न खाई जा सकती है और न पहनी जा सकती है। और फिर आप तो शुरू से ही आदी हैं अच्छा खाने और अच्छा पहनने की। हाँ आदत ही की तो बात है, मसलन मैं नरम और गर्म बिस्तर पर सो नहीं सकता। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। खामोश, जानता हूं तुम पराई हो चुकी हो, तुम पर मेरा कोई हक नहीं, लेकिन क्या मैं बात भी नहीं कर सकता? वो आहें जिन्हें बरसों से दबाए बैठा हूं, होंठों तक भी नहीं ला सकता, वो जख्म जिन्हें सीने के दाग बनाए बैठा हूं, उन्हें थोड़ी सी हवा भी नहीं दे सकता। मेरा तो ख्याल था वो मजाक वहीं खत्म हो चुका, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुमसे खींचकर यहां तक ले आओगी। इन झूठे आंसुओं का नमक बर्दाश्त न कर सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर तुम मुझे बेवकूफ बनाओ, तमाशा देखो मुझ गरीब का, जो जिंदगी के रास्ते पर तो कोसों निकल गया लेकिन मोहब्बत की राह पर तो कदम भी न चल सका, पांव ही टूट गए जिसके। मदन बाबू मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन इस गरीब और बेबस लड़की पर इल्जामों की भरमार लगाने से पहले तुमने यह भी सोचा है कि उस रात ये तुम्हारे साथ जाने के लिए घर से निकली होगी तो इसके बाप ने इसका रास्ता रोक लिया होगा? ये भी सोचा है कि तुम्हारे चले जाने के बाद
दुनिया जहान में इसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की होगी। ये सब झूठ है, अगर ऐसा होता तो ये मेरा इंतजार करती, शादी न रचा बैठती। शादी? किसकी शादी, कैसी शादी? नरेंद्र। हाँ मदन, इंदु तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुमने ये भी सोचा कि तुम्हारे आने पर भी इंदु उठकर तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम कहते हो मोहब्बत की राह पर तुम्हारे पांव टूट गए, लेकिन ये भी देखा पांव तुम्हारे नहीं, इसके व्यक्ति है जिसने दुल्हन के लिबास में भागकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की। इंदु, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि ये अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार करती थी। इसकी मोहब्बत ने गवारा न किया कि ये तुम्हारी जिंदगी में एक बोझ बनकर चली आए। ये तो इत्तफाक की बात है कि इंदु यहाँ डॉक्टरी इलाज के लिए चली आई और तकदीर ने एक बार फिर इसे तुम्हारे रास्ते पे ला फेंका, वरना शायद ये अपना कम लिए इस दुनिया से चली जाती और तुम दोनों कभी न मिल पाते। इंदु, तुमने मुझे इतना निर्दय क्यों समझा? कहीं फूल का भी बोझ होता है। इंदु, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसे मेरे मुझे अपना सकोगे, अपने दिल में जगह दे सकोगे। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने आप से जुदा न होने दूंगा। इंदु, मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, लेकिन तुम्हारे बिना सब कितना अधूरा था, कितना बेकार। इंदु, तस्वीर तोड़ डाली? मगर क्यों? क्या मालूम, ये कल भी रात को 2 बजे वहां घूम रहा था, लाल लाल आंखों से तस्वीर को घूर रहा था। क्यों गोपाल भैया, मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कारखाना कारीगरों का मंदिर होता मदन बाबू, उस तस्वीर का वहां होना कारीगरों का अपमान है। अपमान? अपमान किस लिए? इसलिए कि मैं धनीराम को जानता हूं। क्या जानते हो? यही कि वो जिंदगी भर जाहिरदारी करता रहा, एक झूठी लोग लाज में मरता रहा। उसने हमेशा हाथों की मेहनत से नौकरी और गुलामी को अच्छा समझा, यहां तक कि जब उसके बेटे अपने हाथों की मशक्कत से ईमानदारी और आजादी की रोटी खाना चाहे तो उसने उसे भी घर से निकाल दिया। क्या बकते हो? झूठी शान कायम रखने के लिए उसने 5,000 रुपए गबन करके अपनी बेटी की शादी कर दी। गोपाल, मैं बेमार आदमी था, मैं चोर था, मैं गलत था। हां, ये है मेरा इनाम, न कि वो जो तुम मुझे कल दे रहे थे। बाबूजी, बड़े बाबूजी, बाबूजी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, वो मर चुका, कभी कमा नहीं। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ थे? बाबूजी क्यों हमें छोड़कर चले गए थे? क्यों अपने आप पर जुल्म किया, हम पर जुल्म किया? बाबूजी मत कहो मुझे, बाबूजी अपने पापों का फल मुझके लिए। राम लगन, तुम बाबूजी को लेकर घर चलो, मैं मां को बोलो चलिए। कमाल हो गया मां, कमाल हो गया। अरे क्या जादू चमत्कार? लेकिन क्या हुआ? क्या बाबूजी जिंदा है? हाँ मां, बाबूजी जिंदा है। हाँ क्या क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ, बाबूजी जिंदा है। हमारे भाग जागो थे, वो यही थे, इसी कारखाने में काम करते थे। माँ कहाँ है वो? आओ मेरे साथ आओ। मुझे मुझे चला नहीं जाता बेटा। बोलो, वो यही आ गए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया मुन्नी की माँ, माफ करो। नहीं, नहीं,
ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। आप आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। धनीराम जी, अब तो मानना ही पड़ेगा, इस जिंदगी की दौड़ में मेहनत भी जीत गई और मोहब्बत भी। जियो बेटी जियो, तू तो मेरी जन्म जन्मांतर की बहू है। मुबारक आप सबको, मुबारक। डॉक्टर ने कहा है इनको एक हफ्ते में चलने से क्या भागने भी लगेगी। हाँ माताजी। मैं भागने दूंगा तब ना, क्यों?